साथियों, ये भी दुखद है कि एक परिवार को, ये भी दुखद है कि एक परिवार को बड़ा बनाने के लिए देश के अनेक सपूतों, वो चाहे सरदार पटेल हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, उन्हीं की तरह ही नेताजी के योगदान को भी भुलाने का भरसक प्रयास किया गया है। अब हमारी सरकार स्थिति को बदल रही है। आप सभी को अब तक पता चला होगा, यहां आने से पहले मैं राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल का समर्पण करने के कार्यक्रम में था। मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक राष्ट्रीय सम्मान शुरू करने की वहां पर घोषणा की है। हमारे देश में जब नेचुरल कैलेमिटी होती है, आपदा प्रबंधन और राहत और बचाव के काम में जो जुटते हैं, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले ऐसे शूरवीरों को, पुलिस के जवानों को अब हर साल नेताजी के नाम से एक सम्मान दिया जाएगा। देश की शान को बढ़ाने वाले हमारे पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान इसके हकदार होंगे। साथियों, देश का संतुलित विकास समाज के प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण का अवसर, राष्ट्र की प्रगति में उसकी भूमिका, नेताजी के बृहद विजन का एक अहम हिस्सा था। नेताजी की अगुवाई में बनी आजाद हिंद सरकार ने भी पूर्वी भारत को भारत की आजादी का गेटवे बनाया था। अप्रैल 1944 में कर्नल शौकत मलिक की अगुवाई में मणिपुर के मोइरांग में आजाद हिंद फौज ने तिरंगा फहराया था। ये भी हमारा दुर्भाग्य रहा है, कैसे शौर्य को आजादी के आंदोलन में उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत के योगदान को उतना स्थान नहीं मिल पाया। विकास की दौड़ में भी देश का यह अहम अंग पीछे रह गया। आज मुझे संतोष होता है कि जिस पूर्वी भारत का महत्व सुभाष बाबू ने समझा, उसे वर्तमान सरकार भी उतना ही महत्व दे रही है, उसी दिशा में ले जा रही है। इस क्षेत्र को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए काम कर रही है। भाइयों और बहनों, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि देश के लिए नेताजी ने जो कुछ भी दिया, उसको देश के सामने रखने का, उनके दिखाए रास्तों पर चलने का मुझे बार बार अवसर मिला है। और इसलिए जब मुझे आज के इस आयोजन में आने का निमंत्रण मिला, तो मुझे गुजरात के दिनों में नेता कार्यों की स्मृति भी ताजा हो गई। साथियों, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब 2009 में ऐतिहासिक हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन था। हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन की याद को हमने एक प्रकार से फिर जागृत किया था। उस अधिवेशन में जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, गुजरात लोगों ने नेताजी को कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद बैलगाड़ियों में बैठ करके बहुत बड़ा जुलूस निकाला था, वैसा ही, यानी जो एक भव्य आयोजन किया गया था, ठीक वैसा ही दृश्य हमने दोबारा 2009 में वहीं पर खड़ा कर करके इतिहास को पुनर्जीवित किया था। भले वो कांग्रेस का अधिवेशन था, लेकिन वो द्वितीय इतिहास का पृष्ठ था, हमने उसको जी करके दिखाया था।